दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रंजन अभिषेक और आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। दरअसल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर आज काफी अहम दिन है, क्योंकि आज इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों के परिणाम जो हैं वो घोषित होने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं। कुछ ही घंटों के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन 4 राज्यों की सियासी संग्राम में विजेता कौन होगा, या यूं कहें कि इन 4 राज्यों के सिंहासन पर विराजमान कौन होगा। आपको हम क्रमवार तरीके से बताते हैं कि किन राज्यों की क्या स्थिति है। दरअसल अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो तेलंगाना के कुल 119 सीटों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। कांग्रेस 70 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीआरएस 37 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 4 सीटों पर आगे चल रही है। ठीक इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 43 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है। अभी कुछ देर पहले तक कांग्रेस काफी आगे थी, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ते हुए नजर आ रही है। अब बीजेपी 46 सीटों पर आगे है, बीएसपी की खाता अब तक नहीं खुली है, बीएसपी 0 पर है और अदर यानी अन्य पार्टी को 1 सीटों की बढ़त मिली है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस 67 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी कुल 110 सीटों पर आगे चल रही है और आरएलपी 3 सीटों पर आगे है, अन्य के खाते में 17 सीटों की बढ़त है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 72 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 155 सीटों पर आगे चल रही है और एसपी और अन्य के खाते में 0 की बढ़त है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है। तेलंगाना में तो सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पटकनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल छोटी छोटी खबरों के लिए और खास करके आज दिन भर की तमाम रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 10 न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरा नाम है रंजन अभिषेक।